गघा थाना क्षेत्र में हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने किशोरी से आर समाज मंदिर में शादी करने के बाद दोस्तों संग मिलकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। जबकि एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप को निराधार बताया। मामला गुरुवार का है। आरोपी उसका पड़ोसी बताया जा रहा है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के गांव का ही मुदस्सिर अंसारी शादी का झांसा देकर 1 जुलाई को किशोरी के साथ फरार हो गया था। पीड़िता के मुताबिक गाँव के ही उसके दो दोस्तों अतीउल्ला और अख्तर की मदद से मुदस्सिर ने अपना नाम बदलकर आर समाज मंदिर में पहले उससे शादी की। इसके बाद तीनों ने उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह उनके चंगुल से निकली किशोरी एक घर पहुंची और जहरीला पदार्थ खा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, एक हमें तहरीर प्राप्त हुई है, एक मिस्टर इसमें जयप्रकाश विश्वकर्मा जी ने तहरीर दी है कि उनकी बेटी के साथ जो है शादी का झांसा दे करके और इस तरह से किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है। और ये कोई इसमें बताया अखबारों में शायद निकला सामूहिक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये दो फैमिलियां आसपास रहती थी, छुट्टियों में वो जो बालिका है या युवती है वो आती थी। और तफ्तीश में अभी तक यही पता चला है कि एक हमें एविडेंस भी मिला है उस शादी आर समाज मंदिर में जा करके शादी वादी करने का भी, तो इसके बाद हम तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जो मेन मुलजिम है मुदस्सिर, उसकी तलाश की जा रही है और उसके साथ दो उसके साथी भी हैं, उन दोनों को भी पकड़ के हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो करेंगे। जी, जो आर समाज का उसमें मिला है तो सर्टिफिकेट में बकायदा लड़की का नाम भी है और लड़के का नाम जो है परिवर्तन करके लिखा गया है। और शादी जैसा लड़की स्वीकार करती है कि उसको ले गया था, और लड़की बताती है कि जो जैसा उसका बयान होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।